वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले सिक्योरिटी इजलास में भी शिरकत। इजलास में मुल्की सलामती और दाखिली सूरतेहाल पर तफसीली मुशावरत। सवात में अमन अमान की बिगड़ती सूरतेहाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। बड़ी कुर्बानियों से मुल्क में अमन को बहाल किया है। सिक्योरिटी अहलकारों और आवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है और उनकी इन्वॉल्वमेंट का किया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है डेफिनेटली होगी। रिटेलिएट जो है, जो एक कानून और कायदे के मुताबिक जो है बिल्कुल हक महफूज रखते हैं हम, जो है ऐसी कोई बात नहीं है। सवात में किसी फौजी ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, वफाकी वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान की रियासत इमरान खान की जाती ख्वाहिश के तहत नहीं चल सकती। इमरान खान का सारा रोना ही आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक है। पहले झप्पियां ही नहीं मुकती थी, अब गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, सैलाब मुतासीन की बहाली के बायस आम इंतखाबात जल्द कराना मुमकिन नहीं। इमरान न्याजी का मकसद इलेक्शन कराना नहीं, कुछ और है। मुल्क की तारीख का फैसला कुन वक्त है। कानून की हुक्मरानी के लिए वुकला को खड़ा होना होगा। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कराची में वुकला से खिताब। बलदियाती नुमाइंदों से खिताब में बोले, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची में डाकू राज का खात्मा करेंगे। 30 साल से यह खानदान पाकिस्तान के साथ सिंध को लूट रहा है। रुकन असेंबली का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लियामानी जमहूरी निजाम के लिए तबाहकुन है। अरकान असेंबली वोट के मामले पर पार्टी के अंदर बहस, इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक कर सकते हैं। अरकान का मुनहरिफ होना ना रोका गया तो सियासी जमातों में मुनसिफाना मुकाबला नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट मुनहरिफ रुकन की नाहली की मुद्दत का तयन खुद करे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्तान के निश्ता अस्पताल की छत से कई लावारिस लाशें मिलने का इंकशाफ। जराए के मुताबिक दर्जनों लाशें निश्ता अस्पताल की छत पर बने कमरे में गल सड़ रही हैं। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने मामले की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ साउथ को पेश करेगी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में धमाका, 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 6 जख्मी। लिविस हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर कराची में चीनी शहरी पर हमला करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वकार खुश का ताल्लुक कलदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी से है। वजीर इतलास सिंह शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 3.21 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4.89 रुपए सस्ती, इतलाक अक्टूबर को बिलों में होगा। मुल्क भर में बिजली की पैदावार और ट्रांसमिशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी। पावर डिवीजन का दावा, कहा कराची को कौमी ग्रिड से मुकम्मल फराहमी जारी है। अब मुल्क भर में रूटीन के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने और छापे मारने से रोक दिया। 17 अक्टूबर को रिकॉर्ड भी तलब, अदालत की जानिब से तफ्तीशी टीम को नोटिस भी जारी।
पीटीआई अरकान का सैनेट में एहतजाज, तहरीक इंसाफ के अरकान के आजम सवाती को रिहा करो के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, फॉरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी, आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सैनेट सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त भी जमा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस में बड़ी पेशरफ, साबिक चेयरमैन नैब नवीद एहसन को एफआईए में तलब कर लिया, लीगल कंसल्टेंट नैब अहमद बिलाल सूफी को भी 11 और 12 अक्टूबर को तलबी के नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज के वफद की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है, चीन ने हर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया है और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए मौजूद रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल के सदर को खत, अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मुनीर अकरम ने खत सलामती काउंसिल के सदर के हवाले किया। वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया, मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने पर भी जोर। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि सैलाब से 3 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए, सर्दियों का मौसम करीब होने से मुतासरीन के मसाइल बढ़ रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़ों और शेल्टर की फौरी जरूरत है, वजीर आजम और वजीर खारिजा मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, इतवार को मैदान लगेगा, तैयारियां जारी, कौमी असेंबली के 8, पंजाब के 3 हलकों में घमसान का रन पड़ेगा, 7 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार, NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, कराची में भी इंतखाबी गहमा गहमी जारी, रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का इजलास, ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम मुतल्लिका इदारों को भी हिदायत जारी। वजीर आला पंजाब का सूबे में इंतवामी लिहाज से 5 नए जिला बनाने का ऐलान, तौंसा शरीफ मरी वजीराबाद तलागंग कोटद्दू जिला को बनाने की मंजूरी, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का भी इफ्तिताह, मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ इस्तीफा देकर घर चले जाएं तो मफाहमत हो जाएगी, लॉन्ग मार्च में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से शिरकत करेंगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.57% कमी, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए, एक हफ्ते में 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा और 17 की कीमतों में कमी हुई।